नमस्ते, नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंदु। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत दिनों से आ रहे हैं कि मैम, हम बच्चों में पनपती हुई बुरी आदतों को कैसे छुड़ाएं। यानी कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जब नवजात शिशु रहते हैं तभी से अंगूठा चूसते हैं या फिर उंगली मुँह में डालते हैं, या फिर जब थोड़े से बड़े होने लगते हैं और अपना जो ओट होता है उसे दाँत के नीचे भींच लेते हैं, जैसे कि चभुरी बांधना कहते हैं। इसके अलावा किसी के ऊपर थूक देना, आँखें दिखाना या फिर इस तरह से नाक को सिकोड़ना, इस तरह की बहुत सी आदतें होती हैं जो बच्चों में पनपती हैं। और कुछ बच्चे इसे थोड़े ही दिनों में यानी एक साल के अंदर छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसे लॉन्ग टाइम तक करते रह जाते हैं। तो पेरेंट्स को, समाज में भी लोगों के बीच में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और बच्चों को भी आगे चल करके शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि प्राइवेट पार्क को भी कुछ बच्चे हाथ लगाते हैं। तो इन सब आदतों से हम बच्चों को कैसे दूर रखें, कैसे उन्हें समझाएं कि बच्चे ऐसी आदतों के हैबिचुअल ना हो जाएं, वीडियो में यही बताने जा रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स हैं और इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। बच्चा जब छोटा रहता है आप उसे हमेशा नोटिस करिए। अगर बच्चे में इस तरह की कोई हरकत आपको दिखाई देती है, यानी बच्चा जब उंगली या फिर अंगूठा मुँह में डालता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे को भूख लगी रहती है तब बच्चा उंगली या अंगूठा मुँह में डालता है, तो आप प्रेजेंट रहिए कि आप बच्चे की किसी भी डिमांड को पूरा कर सकें। यानी कि जो दूध रहता है वो दीजिए। अगर बच्चा अकेला रहता है कभी कभी तब ज़्यादा ऐसा करता है, तो बच्चे को अगर आप ऐसी आदतों के बीच देख रहे हैं, यानी बच्चा इस तरह से हैबिचुअल हो रहा है, तो आप ज़्यादातर समय उसके साथ में बिताइए। यानी बच्चे को अगर आप गोद में लेकर के घुमाती हैं या उससे बातें करती हैं, तो बच्चा ऐसी चीज़ें नहीं करता, क्योंकि वो व्यस्त हो जाता है, किसी चीज़ में बिजी हो जाता है तो वो ऐसा नहीं करता है। यानी जैसे ही आप देख रहे हैं कि बच्चा किसी गंदी आदत को पकड़ रहा है, तो आप तुरंत एक्टिव हो जाइए और बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए। क्योंकि देखिए, मेरा बेटा जो था वो भी करता था, कुछ मतलब एक दो साल का हुआ उसके बाद में वो जीभ निकालने लगा था, तो मैं हमेशा उसके ऊपर ध्यान देती थी। जब भी मैं उसको ऐसा करते हुए देखती थी, तुरंत आकर के मैं उसको ना बोलती थी, नहीं ऐसा मत करो, इससे तुम्हारी जीभ हमेशा के लिए बाहर आ जाएगी। और इसके अलावा कभी कभी वो नाखून भी काटता था, तो मैंने उसको हमेशा मतलब हर 10 मिनट के बाद मैं उसको देखती थी। अगर मैं किचन में कोई काम कर रही होती थी तो भी छोड़ करके आती थी। ये मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत हमें करनी पड़ती होती है, हर समय बच्चे के ऊपर नज़र रखना, उसे रोकना इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन कुछ दिन यानी 1-2 महीने के अंदर ही बच्चे को जब आप बार बार टोकती हैं, उसे समझाती हैं, तो बच्चा मान जाता है। एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी कि नवजात शिशु हो, 1-2 साल का बच्चा हो या फिर 4-6 साल का बच्चा हो, आपको उनसे डांटना नहीं है। जितना आप प्यार से समझाएंगी, बच्चे उतनी आसानी से आपकी बात को समझेंगे। अगर बच्चे से आपको कोई काम करवाना है, जैसे आपने कहा कि बच्चा दूध पी लो, वो नहीं पी रहा है, अगर आप उसे डांट देंगे कि जल्दी से दूध पियो तो और ज़्यादा नहीं पिएगा, या फिर चिढ़ जाएगा, या फिर कुछ ऐसा कर देगा कि दूध गिर जाए इस तरह से, तो फिर आपको बच्चे को सिर्फ प्यार से हैंडल करना है कि बेटा आप दूध पी लीजिए। दूध पीना ज़रूरी है क्योंकि ये ज़्यादा देर तक यहाँ पड़ा रहेगा तो उसमें धूल जाएगी। इस तरह से जब आप प्यार से समझाएंगी तो प्यार से समझाने में बच्चा ज़रूर मान जाता है। ओठ को दांतों के नीचे दबाना या फिर किसी के ऊपर थूकना, तो इसके लिए आप उन्हें समझाइए कि ये गंदी आदतें हैं, इससे जब तुम बाहर किसी से मिलोगे तो लोग तुम्हें बुरा कहेंगे और तुम तो बुरे हो नहीं, तुम तो अच्छे हो। चाहे बेबी गर्ल है, चाहे बेबी बॉय है, उन्हें आप समझाइए कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। और बहुत अच्छे बच्चे को अगर कोई गंदा कहेगा तो कितना गंदा लगेगा, मम्मी डैडी को भी गंदा लगेगा और आपको भी गंदा लगेगा। तो इस तरह से जब आप उसे बार बार समझाएंगी, रोकेंगी इस चीज़ को कि नहीं तुम ऐसा मत करो, तो बच्चा ज़रूर मान जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि नोटिस करते रहना है कि बच्चा किस समय इस आदत को कर रहा है, उसी समय आप प्रेजेंट रहिए और उसे इस चीज़ को रोकिए। अगर उंगली मुंह में डाल रहा है आप तुरंत निकाल दीजिए, उसे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, जो चीज़ें उसे पसंद है तुरंत उसे पकड़ा दीजिए, ताकि उसका ध्यान खाने की उस चीज़ पर चला जाए। अगर बच्चा बड़ा है तो, अगर बच्चा नवजात शिशु है तो आप उसके साथ समय बिता लीजिए। यानी कि आप देख रही हैं कि बच्चे को उंगली मुंह में डालने की आदत हो रही है, तो आप उसके साथ खेलिए, उसके हाथ को पकड़ करके आप इस तरह से नाचिए वगैरह करिए, या फिर उसे कोई बुक्स दीजिए, टॉयस दीजिए, उसके हाथ में पकड़ा दीजिए, तो बच्चा उस टॉयस में बिजी हो जाएगा। अगर वो उस टॉयस से ऊब चुका है तो कोई दूसरा खिलौना, या फिर अगर बच्चा थोड़ा सा भी बड़ा है, कुछ खाता पीता है अच्छे से, बिस्किट वगैरह जैसे कि आप घर में जो बनाती हो, बाहर का मत दीजिएगा जब तक बच्चा छोटा रहता है, तो तुरंत आप उसे पकड़ा दीजिए।
और वो उसे बिजी कर दीजिए, यानी उसका ध्यान उस चीज़ पर से हमें हटाना है। अगर उंगली मुंह में डालता है या फिर अपनी ओठ को दांतों के नीचे दबाता है, अंगूठा मुंह में डालता है, तो इन सब बातों को, या फिर जैसे प्राइवेट पार्ट होता है बच्चा वहाँ पर टच करता है, आप बच्चे को हमेशा निकर पहना करके रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को प्राइवेट पार्ट के आसपास में गर्मी लगती है, पसीना होता है, तो आप नहीं पहनाना चाहती हैं, तो आप उसे एकदम कॉटन की सॉफ्ट निकर अगर पहनाती हैं तो इससे पसीना नहीं होता है, अच्छी क्वालिटी का ले लीजिए। अगर बच्चे को ऐसी गंदी आदतें लग रही हैं तो थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करने में आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन आदतों से बच्चे को आगे चल कर के और भी परेशानी हो सकती है। अगर बच्चा प्राइवेट पार्ट को बार बार हाथ लगाता है तो उसे कई तरह की बीमारियाँ भी हो जाती हैं, और एक ऐसी बीमारी भी है जिसकी वजह से बच्चा बार बार वहाँ प्राइवेट पार्ट के में हाथ लगाता है, जैसे कि वहाँ पर खुजलाहट होना या फिर जो यूरिन का रास्ता है वहाँ पर जलन महसूस होना। तो आप बच्चे को पूछिए कि क्या तुम्हें यहाँ पर जलन हो रही है, क्या तुम्हें यहाँ पर खुजलाहट हो रही है। अगर जब बच्चा छोटा है एकदम से तो उसके प्राइवेट पार्ट को चेक करिए, अगर वहाँ पर ऐसा आपको कुछ महसूस हो रहा है, रेडनेस है या फिर बच्चा खुजलाहट करने जैसा दिखाई देता है आपको, तो आप वहाँ पर, जैसे कि मैंने अपने और भी कई वीडियो में बताया हुआ है कि जो नीम का पानी होता है, यानी नीम के पत्ते को धो करके पानी में उबाल लीजिए अच्छी तरह से, और इसी पानी से आप वहाँ की स्किन जो होती है उसको क्लीन करिए, नहीं तो फिर आप मार्केट से भी ले सकती हैं, बहुत सा ऐसा लिक्विड आता है जिससे आप साफ़ कर सकती हैं, लेकिन नीम का पत्ते का पानी जो होता है वो सबसे बेहतर है, तो आप चाहें तो इसे यूज कर सकती हैं। उस जगह पर इस तरह से साफ़ सफाई करने से वहाँ पर बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं और बच्चे को इस तरह की समस्या नहीं होती है। तो अगर बच्चा बार बार प्राइवेट पार्ट के पास में हाथ लेके जा रहा है तो आप नीम का पत्ता का जो पानी होता है उससे वहाँ पर क्लीन करिए, और फिर नोटिस करिए कि क्या बच्चा बाद में भी ऐसे लेकर के जा रहा है, तो उसे समझाइए कि इस तरह से हाथ लगाओगे तो तुम्हें वहाँ पर बीमारी हो जाएगी, फोड़ी फुंसी हो जाएगी, फिर तुम्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो तुम वहाँ पर दोबारा हाथ मत लगाओ। मतलब बार बार आपको टोकना है, जो भी ऐसी गंदी आदतें बच्चे में लग रही हैं बार बार उन्हें समझाना है, और अगर बच्चा जिद पर आता है तो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाना है कि नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी, तुम्हारे पसंद की कोई भी चीज़ मैं तुम्हें न दे करके, किसी बच्चे का नाम लीजिए बाहर का है या फिर आपके घर में ही कोई दूसरा बच्चा है तो मैं इसे दे दूंगी, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दूंगी, तुम अच्छे बच्चे हो तुम ऐसा दोबारा मत करना, फिर मैं तुम्हें बहुत सारा सामान दूंगी, घुमाने लेके चलूंगी, अच्छे अच्छे कपड़े दूंगी, यानी जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उसका उसको लालच दीजिए और उसे बार बार उस चीज़ को करने से रोकिए। डेफिनेटली बच्चा ज़रूर सुधर जाएगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी फेस किया था और मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मैंने उसकी इन आदतों को छुड़ा दिया। तो आप इतना मेहनत कर लेंगी तो आपके बच्चे में ऐसी कोई भी गंदी आदत जो होती है वो छुड़ाने में आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगी। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, इससे अगर आपके बच्चे में किसी तरह की कोई बुरी आदत पनप रही है तो आप समय रहते उसे छुड़ाने में ज़रूर कामयाब होंगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।